आमतौर पर आपने ऐसी दरगाहें और देवरे देखे और सुने होंगे जहां श्रद्धालु अपने मन की कई मुरादें पाने जाते हैं, लेकिन एमपी के आखिरी छोर पर एक स्थान ऐसा भी है जहां लोग बेटी पैदा होने की मन्नत मांगते हैं और वो मन्नत पूरी भी होती है। इस समय हम जहां खड़े हैं ये है भेड़ा पीर साहब की दरगाह, ये मध्य प्रदेश में है, लेकिन यहाँ आने का जो रास्ता है वो राजस्थान से होकर आता है। नीमच से जावत होकर अठाना और अठाना से कनेरा घाट पार करके जब आप जाट के रास्ते पर आते हैं तो कनेरा से 12 किलोमीटर दूर भी जंगल में यह दरगाह मौजूद है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये भेड़ा पीर साहब का मज़ार है और इस ये जो मज़ार जिस जगह बना हुआ है वहाँ पर एक पानी की नदी जाती है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने पहाड़ी है और यहाँ से पानी निकलता है। क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम है इसलिए इसमें पानी नहीं है। दूसरी खास बात यह है ये वो जगह है जहाँ पर ये पीर ये फकीर इबादत किया करते थे और 13 साल इस जंगल में उन्होंने इबादत की। आज यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। लोगों का कहना है कि लोग यहाँ रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। भेड़ा पीर साहब के नाम से मशहूर इस स्थान पर जब हमारी टीम पहुंची तो यहां राजस्थान के निम्बाड़ा से मोहम्मद अशफाक अपने परिवार के साथ करीब 50 लोगों को लेकर इसीलिए आए थे कि उनके खानदान में पहली बार बेटी पैदा हुई, जिसके लिए उन्होंने यहां मन्नत मांगी थी। सुनिए वे क्या कहते हैं। जिस वजह से ये तमाम जायरीन यहाँ आए इन्होंने एक मन्नत ली थी, इनके खानदान में कोई भी बेटी नहीं थी और उन्होंने ये मानता मानी थी कि अगर हमारे परिवार में बेटी पैदा होगी तो हम भेड़ा पीर साहब जाएंगे और वहाँ अकीदत के फूल अदा करेंगे और आज ये इसीलिए आए। आइए उनसे जानते हैं किस तरह की मन्नत उन्होंने ली थी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशफाक। क्या मन्नत थी अशफाक? सर मन्नत ये 2.5 साल से कुछ हो भी नहीं रहा था तो मैंने यहाँ पर आके मन्नत मांगी, लड़की होगी तो भी यहाँ पर दाल बाटी बनाएंगे, लड़का होगा तो बनाएंगे। 2.5 साल से कुछ भी नहीं हो रहा था। जो बात तो किसने कहा था यहाँ आने के लिए? यहाँ मेरे पापा ने बहुत सारों ने बोला, पहले भी आए यहाँ मन्नत होती पूरी। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि एक तरफ जहाँ पूरा देश बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आंदोलन पे जोर दे रहा है वहाँ एक पिता ऐसे भी है जिन्होंने ये मन्नत मानी कि उनके परिवार में बेटी हो और आखिर इस मुकद्दस जगह की वजह से उनके परिवार में ऐसा उनका मानना है बेटी पैदा हुई इसलिए वो मन्नत उतारने यहाँ आए थे। भेड़ा पीर साहब के इस मज़ार पे हम मौजूद हैं और इस समय हमारे साथ मौजूद है यहाँ के एक जायरीन नन्नू भाई जो काफ़ी अरसे से यहाँ आते रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर इस मज़ार की क्या हिस्ट्री है। नन्नू भाई बताए कि क्या बहुत जोरदार चमत्कार है साहब, काफ़ी जायरीन 100-200 पब्लिक सुबह से शाम तक चलती रहती है, 2-4 पाल्टी हर जुमेरात की होती है। यहाँ पे ये जो मज़ार है इसके क्या इसकी कहानी है? इसका कहानी यही साहब के ये बुजुर्गों ने पहले यहाँ इबादत की हुई है, इबादत घर है ये और यहाँ से फैज मिलता है हर एक को, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी समाज हो, समाज से कोई मतलब नहीं है, फैज सबको मिलता बरोबर। और आपके स्वयं आने से और जाने से आपका खुद का काम होता है या किसका खिदमत गुजार का किसका ही कोई काम नहीं है। तो आप कितने साल से यहाँ आ रहे हैं? मेरे को कम से हो गए साहब 30 साल से ऊपर यहाँ आते हुए 30 साल से बराबर आ रहा जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या एक मुकाम है, एक धुना है, इबादत की जगह है, इबादत घर है साहब और यहाँ बुजुर्गों ने इबादत की, इबादत की वही ऐसा किया है जो कि आज नहीं बॉम्बे अहमदाबाद जाना कहाँ की पब्लिक आ रही जा रही सर, ये मेरे को पता है। ये है नन्नू भाई जो यहाँ के एक जायरीन है और ये बता रहे हैं कि वो पिछले 30 साल से यहाँ आ रहे हैं। ये वलियों की इबादत गाह है जहाँ पे बरसों वली और फ़कीर इबादत करते रहे, उसका ही कारण है कि जो इस जगह पर आता है उसको इस जगह का फैज़ मिलता है, लोगों की मुश्किलें आसान होती है और इस सरजमीन और इस मुकद्दस ज़मीन से लोगों की दुआएँ कबूल होती है। यह स्थान एक निर्जन जगह है जो पहाड़ियों से घिरा है। बताते हैं यहाँ सुल्तान बाबा नामक फकीर ने 13 साल तक इबादत की है, यहाँ उनका दूना है। 13 साल की इबादत के बाद वे यहाँ से चले गए लेकिन यह जगह मुकद्दस हो गई। आज सैकड़ों जायरीन जिसमें हर मजहब से जुड़ा इंसान होता है
यहाँ आकर दुआ मांगता है। पीर साहब पर निमाड़ा राजस्थान से बड़ी संख्या में जायरीन आए हुए हैं, जिसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है। यहाँ हमारे साथ एक जायरीन है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो कब से यहाँ आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाथू। नाथू वह कब से आप यहाँ आ रहे हो? विशेष साल को। क्या खास बात है यहाँ की? बहुत अच्छी बात है, सत्य की बात है। किस तरह का सत्य क्या देखा आपने यहाँ के? ये सत्य है, सभी काम लोगरा काम अटे नहीं है। इस जगह पे शक्ति है? हाँ है। कोई ऐसा काम याद आ रहा है आपका जो यहाँ आने के बाद हुआ हो? देखो मेरे तो अर्जी आज लगे, मैं तो कभी लगे पर मैंने विश्वास है काम होगा। दरगाह पे आते हैं सब, जो मेरे को भी सुना है इसलिए हम भी दरगाह पे आए हैं, सबकी मुरादें पूरी होती हैं यहाँ पे। कहाँ से आए हो? जी निम्बाड़ा से। तो ये है काफ़ी जायरीन है जो निम्बाड़ा राजस्थान से आए हुए हैं बस लेकर, और इस उम्मीद में आए हैं कि ये जो मुकद्दस जगह है यहाँ पे उनकी मुरादें पूरी होगी। और जैसा कि लोग आम तौर पे मानते हैं कि यहाँ जो रोता हुआ आता है हंसता हुआ जाता है। मेरे सहयोगी कासिम के साथ मुस्तफ़ा हुसैन, भेड़ापीर साहब।